आज नामांकन का आखिरी दिन है। कई दलों के प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। पीलीभीत सीट से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने भी पर्चा भर दिया है। साथ ही दोनों ही बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करने का दावा भी किया है। पीलीभीत और रामपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत से जितिन प्रसाद इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी पर एक बार फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया है। नामांकन पत्र आपने दाखिल कर दिया है, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे पीलीभीत की प्रतिष्ठित सीट का लोक उम्मीदवार बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, सभी लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये सम्मान मिला है कि ये सीट का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। और मैं कह सकता हूँ जो 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी काम, उनकी तपस्या, उनका त्याग, निस्वार्थ, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के प्रति जो उनके 7 वर्ष का कार्यकाल है, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा, इतिहास रचा जाएगा। तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत में स्थापित हो। क्या लगता है बरोड़ा? धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब संकट पे जितिन प्रसाद पीलीभीत की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा दिखाई देगा। ये जो रिश्ता है, निस्वार्थ है, यहाँ लोक निर्माण विभाग की मैंने जिम्मेदारी संभाली है, जो कार्य हुए हैं, धरारा घाट का पुल जो कभी नहीं हुआ था, जो सरकार सुधारों में नहीं हो पाया, वो मोदी योगी योजना होते होते आपके जनपदों में चालू किया गया है। और ये जो सड़कें हुई हैं, जो सेतु बने हैं, ये मत समझना कि वोटों के लिए किया है। मुझे तो मालूम ही नहीं था, ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे, स्वतंत्र जी बताएंगे कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी कैसे लग गई। तो ये काम इसलिए किए गए थे, ये शहर की जनता से लगाव है, आप लोग परिवार के रूप के सदस्य हैं, और जिस लायक होंगे, जहाँ भी होंगा, पूरे सामर्थ्य शहर की जनता की सेवा करते रहूंगा, यह मैं आपको बता रहा हूँ। आज तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नामांकन हो गया है, आपके आशीर्वाद से, आपकी उपस्थिति मनोबल बढ़ाती है, काम करने की ऊर्जा देती है, और काम किया जाएगा। जो 10 साल के प्रधानमंत्री जी के कार हैं, ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है, 7 साल माने मुख्यमंत्री जी के कार यहाँ सबके सामने है, मोदी योगी का जो डबल इंजन है वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर भी हम ये 4 विधायक और जितिन प्रसाद मिलकर 5 इंजन चलाएंगे और पूरा पीलीभीत का कायाकल्प करेंगे।